नमस्कार, न्यूज पीआर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। पंचायत चुनाव में अक्सर ही फर्जीवाड़ा का मामला सामने आता है। जो भी प्रत्याशी हैं वो पैसों का गलत तरीके से उपयोग करते हैं, उसका कोई भी ब्यौरा नहीं होता, उसका कोई भी डाटा नहीं होता कि किस पैसे को कहां पे कितना खर्च किया जा रहा है। अब फर्जीवाड़ा का एक नया मामला सामने आया है जहाँ पर 10 करोड़ रुपये का फर्जीवाड़ा किया गया है। जी हाँ, दरअसल ये जो खबर है वो मधेपुरा से है जहाँ चुनावी खर्च में फर्जीवाड़ा किया गया है। जहाँ बीते साल में विधानसभा चुनाव के दौरान आवश्यक सामग्री को सप्लाई करने वाले सप्लायरों ने भुगतान के लिए जब बिल जमा किया तो पदाधिकारी दंग रह गए हैं। जी हाँ, चुनाव के दौरान स्टेशनरी, खाना पीना, टेंट और अन्य तरह के जितने भी सामग्री होती है उसके लिए सप्लायरों ने पदाधिकारी के पास 23 करोड़ का बिल जमा किया। इसको देखते ही जो पदाधिकारी थे वो दंग रह गए, हैरान हो गए और उन्हें आशंका हुई। आशंका के बाद उन्होंने अपनी जांच शुरू कर दी। तो जांच में जो है ये बिल 23 करोड़ के जगह सीधा 13 करोड़ हो गया, यानी कि 10 करोड़ का सीधा घपला किया गया। जिस तरीके से ये जांच शुरू की गई, ये जो बिल है वो घट गया, तो आप देख सकते हैं इस तरीके से चुनावी प्रचार में चुनाव के दौरान कैसे फर्जीवाड़ा का खेल खेला जाता है। हम आपको बता दें कि इस मामले को लेकर जिला निर्वाचन कार्यालय की तरफ से आधिकारिक तौर पर यह जानकारी दी गई है। कार्यालय ने इस गड़बड़ी की जानकारी दी है। जिला निर्वाचन कार्यालय ने सप्लायरों के 9 बिल को फर्जी करार दिया है। अब इस मामले पर आगे और भी जांच की जा रही है। तो एक बार फिर से चुनाव में जो है फर्जी का मामला सामने आया है कि प्रत्याशी गलत तरीके से बिल बनाते हैं और सप्लायरों के द्वारा गलत तरीके से बिल भी जमा किया जाता है, और इस तरीके से जब जांच की जाती है तो ये पता चलता है कि पूरा का पूरा बिल जो है वही गलत है, पूरा का पूरा बिल ही फर्जी है। अब इस तरीके से 23 करोड़ का जो बिल था वो सीधे घटकर 13 करोड़ पे आ गया और 10 करोड़ का फर्जीवाड़ा का मामला मधेपुरा में सामने आया है। इस वीडियो में आज बस इतना ही। बाकी के खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़। हेलो एवरीवन, तो 26 जुलाई को आपका और हमारा न्यूज पीआर मनाने जा रहा है अपना पहला फाउंडेशन डे, यानी कि हम एक साल के होने वाले हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि आज से आप भी हमारे स्क्रीन्स पर दिखें 26 जुलाई तक। तो इसके लिए आपको अपना एक वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करना है। वीडियो मैसेज में आप हमें शुभकामनाएं दे सकते हैं या कोई सुझाव, हम आपको अपने स्क्रीन्स पर ज़रूर दिखाएंगे। तो जल्दी से जल्दी अपना वीडियो रिकॉर्ड कीजिए और भेजिए हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर।